मोदी जी के काम धाम से कितना प्रभावित है? क्या प्रभावित है सर, कागज तो बनवाया है। हाँ। गैस का रेट भी बढ़ा दिया, 400 था, पेट्रोल का रेट भी बढ़ा दिया है, और कड़ू का तेल का भी, और यही तो मुद्दा है। क्या है, पब्लिक को चूसना है, खाना है, करे वो सरकार। ये गेहूं चावल तो मुहैया करवाती है, सब कुछ करवाती है, तो क्या मतलब उठा, कुछ है ही नहीं है। किसानी है, गोरू खा गए पूरा फसल, देख लीजिए हर जगह खड़े होके दिखा दीजिए, कैमरे घुमा के दिखाइए, कोई कुछ है ही नहीं है, तो किसान नहीं रहेगा तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो चाय की गुमठियों पर, छोटे छोटे ठेले और छोटी छोटी दुकानों पर हुआ करती है। हम सीधी जिले में मौजूद हैं और सीधी जिले से जब हम गुजर रहे थे तो एक ऐसी ही छोटी सी दुकान है चाय नाश्ते की, जहां पर हमें कुछ युवा, कुछ वरिष्ठ जन बैठे हुए दिखाई दिए। हम इनसे इस क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे इस जगह की राजनैतिक सियासत की उठापटक की। ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावों में यहाँ पर कौन से दल प्रभावी होते हैं, किन दलों की जीत हार होती है, और इस बार आगामी जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, तो उन चुनावों पर किसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। क्योंकि चुनाव से पहले कई सारे दावेदार होते हैं, उन्हीं दावेदारों में से पार्टियां एक उम्मीदवार बनाती हैं और फिर उन्हीं उम्मीदवारों में से जनता एक उम्मीदवार का चयन करके अपना जनप्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ के लोगों का क्या मानना है, और प्रदेश कि शिवराज सरकार और देश की मोदी सरकार को लेकर के लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या सोचना है, इन कई सारे मुद्दों पर हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं हम द खबरदार न्यूज पर, और आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहिए। हम यहीं ग्राम सलैया के हैं। ये ग्राम सलैया है, खाम जी। तो ये किस रास्ते पर पड़ता है, अगर हम बात करें सीधी शहडोल हाईवे पर ये पड़ता है। तो ये जानना चाहेंगे, आपका जो चेहरा है, आपकी जो दाढ़ी है, वो भी मोदी जी जैसे लगती है। तो मोदी जी के काम धाम से कितना प्रभावित है? क्या प्रभावित है सर, कागज तो बनवाया है। हाँ। गैस का रेट भी बढ़ा दिया, 400 था, पेट्रोल का रेट भी बढ़ा दिया है, और कड़ू का तेल का भी, और यही तो मुद्दा है। क्या है, पब्लिक को चूसना है, खाना है, करे वो। जैसे विकास की जो ये बात है कि इस मोदी सरकार में विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है, तो इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं? किस चीज का विकास हुआ है, विकास कहाँ से हुआ, महंगाई पब्लिक का लेमाड़ी दाब के इधर पेट्रोल से निकाल लिए, कड़ू के तेल से निकाल लिए, कहाँ से विकास है? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, सड़कें बनाई है, तो मिला है प्रधानमंत्री आवास भी मिला है, पर ये बताइए महंगाई से पीड़ित है, किसी मुद्दे से निकाल के पब्लिक को बांट रहा है, कहाँ से दे रहा है, क्या दे रहा है? महंगाई काफी बढ़ गई है, वो महंगाई तो ऐसा उछल रहा है कि किसान जिसके यहाँ एक टाइम का भोजन नहीं है तो महंगाई से खरीद ही नहीं पा रहा है, एक दूसरे का सहारा ले रहा है। और ये जो सीधी इलाका है तो काफी पिछड़ा इलाका है, और सीधी में भी ये काफी पिछड़ा इलाका है जहाँ पर हम शायद बैठे हुए हैं। आदिवासी भाई हैं, अब ऐसे हैं बहुत से घराना, बहुत से संबंध भी हैं, ऐसे घराना है कि यहाँ टाइम से वहाँ टाइम लगता है, अब बताइए महंगाई में क्या ले सकते हैं। सरकार ये गेहूं चावल तो मुहैया करवाती है, सब कुछ करवाती है, तो क्या मतलब उठा, कुछ है ही नहीं है, किसानी है, गोरू खा गए पूरा फसल, देख लीजिए हर जगह खड़े होके दिखा दीजिए, कैमरे घुमा के दिखाइए, कोई कुछ है ही नहीं है, तो किसान नहीं रहेगा तो क्या होगा। पाला भी लगा था इधर, पाला भी लगा था, तो मुआवजा उसका कुछ नहीं मिला। तो मुआवजे के लिए तो बोला गया था कि सर्वे किया जाएगा और फिर मुआवजा लोगों को दिया जाएगा, मिलेगा, सब चोचलेबाजी है, ना मुआवजा मिला है ना मिलेगा, मुंह से या कागज से बनेगा, आधार कार्ड बनवाइए, पिन कार्ड, शर्म कार्ड, यही करवा रहे। शर्म कार्ड कौन सा कार्ड, कार्ड बना है क्यों साहब, शर्म कार्ड बना है, श्रम कार्ड यही बनवा रहा है, अब फिर से बनवा रहा है, KYC करवा रहा है, कुछ दिन में और कुछ करवाएगा। आप कांग्रेस से हैं क्या? हम कोई पक्ष से नहीं है, हम पब्लिक है, स्वतंत्र पक्ष से नहीं है, जिसका बहुमत उसी में दे देते हैं, कोनो दिक्कत। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, 15-20 वर्ष शिवराज सिंह चौहान की भी सरकार को हो रहे हैं, तो इनके उसमें कार्यकाल में विकास की स्थिति क्या रही? विकास शिवराज सिंह जहाँ किए होंगे तो किए, हमारे यहाँ तो नहीं है, कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ। सड़कें वगैरह पहले से बनी, सड़कें तो बनवाए हैं, मानिए सड़क बनी है,
सड़क क्या करेगा, पब्लिक भोजन लेगा सड़क का, मिट्टी का। एक आम आदमी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, यही बहुत पहले से ये कांग्रेस की सरकार थी तब रोड बनी थी, इसके ऊपर फिर से पोताई शिवराज सिंह के जमाने में हुआ। क्यों साहब ऐसे ना पोताई हुई? हाँ पोताई, फाट एक एक किलोमीटर में एक एक फुट गड्ढा भी है। अभी चलिए मौके से आप देखिए।